लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस की थी, बहुत कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था जिनसे मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ अपनों की ही चोट खाई, कुछ अपनों से ही चोट खाई, कुछ खुद की गलतियों से सीखा। तो गाइज़, आज कुछ ऐसी बातें मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो लाइफ चेंजिंग है और अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ में वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज़, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मुझे इसी टाइम पे ना कोरोना हो गया था और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए अचानक से। आज तक मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ा, हमेशा मैंने मेंटेन करके रखा। इतने सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेट एकदम से बढ़ा हो। 1-2 किलो बढ़ जाता था बट वापस से मेंटेन कर लिया करती थी। लेकिन कोरोना में पता नहीं क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया। तो इस साल का सबसे बड़ा गोल जो है मेरा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरा, मेरी हेल्थ, मेरी सेल्फ केयर, जिसे मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाई। सबसे बड़ा रीज़न घर और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और साथ ही यूट्यूब पर वीडियोस डालना। लास्ट ईयर जून से मैंने वीडियोस वापस से डालना शुरू किया था, और जो कि बहुत, जिसके लिए ना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। इट्स नॉट अ ईजी टास्क। एडिटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहला गोल जो है ना मेरा, वेट को कम करना है। मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है और मुझे अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि मैं उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें ना, मैंने खुद को खो दिया। तो इसके लिए ना मैंने आज से ही ये गोल सेट किया है, एक अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो करना शुरू किया है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अभी मैंने शुरू कर दिया है एक हेल्दी डाइट लेना और साथ ही 30-40 मिनट का वॉक और एक्सरसाइज, क्योंकि अभी ना सर्दी है और सर्दियों का जो सुबह का टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है और खाना वगैरह सब कुछ बनाना होता है। तो अभी मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल रहा, उसकी वजह से मैं इवनिंग में इस चीज़ को अभी शिफ्ट कर दिया। जब तक थोड़ा सर्दी है तब तक मैं शाम के वक्त ही एक्सरसाइज करूँगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार, मेरी बेटी, उसकी ऐसी एज है, उसको वक्त देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, तो क्यों ना उनके साथ में ये वक्त गुजारा जाए, क्योंकि फिर सिर्फ मेमोरीज ही रह जाती हैं और कुछ नहीं रहता। तो मुझे बच्चे के साथ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। शायद हम सभी लोगों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती है, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ठोकर खाते हैं और तभी हम आगे बढ़ते हैं उन चीज़ों को सीख के। लास्ट ईयर बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे मेरी ज़िंदगी में, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। कुछ अपनों ने ही ऐसा धोखा दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मुझे अपनी गलती समझ में आई। अक्सर क्या होता है कि हम सामने वाले की गलती बहुत आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी ही होती है। मैं ना थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे चोट मिलती है हमेशा। क्योंकि क्योंकि ना कभी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस अपने लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, अपने बच्चे के लिए रखिए, क्योंकि आप नहीं जान सकते आपके अच्छे होने का फ़ायदा कौन उठा रहा है। और मोटा मोटा बात कहने की यह है कि किसी के लिए उतना ही करो जितना ज़रूरत है। अगर हद से ज़्यादा करोगे ना तो सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करेगा। तो लोग तभी तक आपका साथ देते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता, चाहे वो पैसों को लेके हो या टाइम पास करना हो, उनको अपना टाइम निकालना हो, या फिर किसी तरह की कोई सिंपैथी चाहिए हो। ये 16 आना सच है कि कोई इंसान आपका साथ तभी तक देगा जब तक उसका स्वार्थ है। उसके बाद में वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। हर रिश्ते में ना थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर रखिए ताकि आपको कोई चोट ना लगे आपके किसी उसके जाने से या उसके रहने से कभी, या उसकी किसी बात से ना आपको चोट ना लगे। तो हमेशा ना अपने रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। दूसरों को खुश रखने से ज़्यादा अच्छा है खुद को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। तो फ़ोन अच्छा तो बहुत होता है, क्योंकि इससे हमें
कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन ख़राब बात ये है कि ये हमारे वक्त को खाने लगा है, ये हमारे परिवार को खाने लगा है, ये हमारे रिश्तों को ख़त्म करने लगा है। तो इसलिए मैंने आपसे कुछ टाइम सेट कर दिया है कि मुझे फ़ोन का यूज़ बस इतना ही करना है जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मैं फ़ोन को नहीं उठाऊंगी, अपने गोल पे अपने काम को ज़्यादा महत्व दूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। किसी भी सोशल साइट पे आप चले जाओ तो आधा घंटा, एक घंटा, पौन घंटा तो आपका यूं ही निकल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है कि आप उसको क्लिक करे बिना रह नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा आपके टाइम को किल करता है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ में बिताऊंगी और अपने काम के साथ में बिताऊंगी, फ़ोन को बस उतना ही यूज़ करूंगी जितना ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हो जितना ज़्यादा आपकी फैमिली, आपका बच्चा। हम काम करते करते खुद को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं, एक होम मेकर बन के रह जाते हैं। तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, अपनी छोटी छोटी विशेज़ को पूरा कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, जो आपको खुद को अच्छा लगता हो ना वो कीजिए। आप अपने परिवार का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने परिवार को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे पाओगे। तो मुझे यही समझ में आया कि खुद को प्यार करना, खुद की सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ। जब मैं कुछ भी काम करती हूँ या मेरा कोई वीडियो बहुत अच्छा चलता है या मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि मैं और अच्छे से अच्छा कुछ बनाऊँ, अच्छे से अच्छा क्रिएट करूँ। हाँ, क्योंकि अब यूट्यूब पर मैं वीडियो डालने लगी हूँ, और वीडियो बनाने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में चैलेंजेस बहुत हैं, नए नए चैलेंजेस हैं। तो मुझे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वक्त के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, घर में ही रह के काम करना है और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना है। मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहती हूँ, खुद से ही कोशिश करती रहती हूँ, और जब मैं उन चीज़ों को सीख जाती हूँ, जान जाती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है, तो मुझे जो खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। नई नई चीज़ें सीखिए, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को जानना। तो गाइज़, ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट न्यू ईयर गोल्स, जो कि मेरी एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शायद ये आपके भी काम आ सकें। तो आज का ये वीडियो बनाने का, आपके साथ में शेयर करने का मेरा यही मकसद था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। फिर से मिलेंगे और कुछ नया करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।